सर बहुत अच्छा लग रहा है और मैं अभी सिटी मॉल में आया हूँ, लेकिन सब जगह पे शोज इसके पहले जो लग चुके हैं तो उसके रिपोर्ट आ रहे हैं, सब जगह पे ओवरपैक हो रहा है शो, हाउसफुल हो रहा है। नारायणगांव का सबसे पहले मुझे रिपोर्ट आया कि भाई शो हाउसफुल हुआ है। लोग क्या कह रहे हैं, आप भी बैठ के देख रहे हैं, क्या लोगों को लग रहा है, क्या कह रहे लोग? अभी जो लोगों ने मुझे कमेंट्स दी कि लोग इमोशनल हो रहे हैं और सब्जेक्ट के बारे में लोग बहुत बात कर रहे हैं कि ये नेशनल लेवल पे सब्जेक्ट जाना चाहिए। फिल्म की बात करें, पता हमको फिर भी पता, ये क्या है, किस तरह की फिल्म है पिटर? सर ये एक इमोशनल फिल्म है। हम लोग जनरल फिल्म में मतलब हीरो हीरोइन की कहानी देखते हैं, उनकी लव स्टोरी देखते हैं। यहाँ पे 10 साल के बच्चे की और बकरे के बच्चे की कहानी है, उनके इमोशंस की कहानी है। तो कितने थिएटर में रिलीज हुई है फिल्म में, क्या है? सर ये ऑल ओवर 76 थिएटर में रिलीज हुई है। सब जगह लग रहा है, यस यस, अभी तक जो मुझे रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। क्या उम्मीद रखते हो लोगों से? लोगों ने ये देखना चाहिए और मेरा जो मेन एम है कि मतलब 100 लोगों में से 20 लोगों ने भी देख के ये अंधश्रद्धा पे विश्वास रखना छोड़ दिया तो भी मैं सक्सेस हो जाऊंगा, ऐसे मुझे लगता है। रिस्पांस तो अभी शो चालू है, यहाँ से अच्छा रिस्पांस है, कई जगह तो ऑडियंस है बट कुछ सारे शो खाली भी जा रहे हैं, लोग अभी भी डर रहे हैं घर से बाहर निकलने के लिए। बट पुणे वाले साइड में कुछ थिएटरों में हाउसफुल भी हुआ है, जैसे लक्ष्मी नारायण गांव अभी जो 3 बजे का शो था वो फुल था, और जैसे आप अभी PVR में हो मेरे साथ तो यहाँ भी काफ़ी सारे लोग आए हैं पिक्चर को देखने के लिए, उम्मीद है। लोगों ने क्या कहा, लोगों ने लोगों का पिक्चर देखने के बाद रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, क्योंकि लोगों को कहानी पसंद आ रही है। मोस्ट प्रॉब्ली जितने भी रिव्यू हमारे अभी मार्केट में आउट हुए हैं वो सब भी बहुत अच्छे हैं और पॉजिटिव है। मतलब पीटर के पीछे मतलब आपने क्यों चुनी इस फिल्म को आपने? चुना मैंने इसलिए क्योंकि कहानी मुझे बहुत पसंद आई थी और कहीं ना कहीं मैं कहानी से रिलेटेड था। मुझे मालूम था इसमें मराठी का कोई बहुत बड़ा स्टार नहीं है बट कहानी इसकी स्टार थी, इसी रीजन से मैंने कहा चलो 7-8 महीने से मैं भी घर बैठा था तो मैंने कहा कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी है, तो मैंने कहा चलो पीटर से शुरुआत करते हैं। डर था कहीं से क्योंकि लॉकडाउन था? बिल्कुल भी डर नहीं था, मुझे मालूम था ऑलरेडी, बिल्कुल भी डर नहीं था क्योंकि मैं जितनी भी फिल्में करता हूँ पॉजिटिव सोच के ही करता हूँ, कभी कोई भी प्रोडक्ट मैंने ऐसे नहीं सोचे कि क्या होगा, मतलब मैं तो पॉजिटिव रहता हूँ हर प्रोडक्ट में, चलना नहीं चलना वो बात की बात है बट मैं तो फुल पॉजिटिव हूँ। तो कितने थिएटर में रिलीज हुई है ये? टोटल हमारी पिक्चर 76 थिएटर में रिलीज हुई। तो क्या कहना चाहोगे ऑडियंस से? यही कहना चाहूँगा कि जाओ थिएटर में, जाओ मूवी को देखो, अच्छा कॉन्टेंट है और मुझे लगता है कि आपका पैसा वसूल हो जाएगा। पीटर चित्रपट आया एकदम लहान मुलांचा, एकदम सुंदर आणि चांगला चित्रपट बनवलेला आहे, जे सगळ्या मुलांनी, शाळेच्या मुलांनी किंवा परिवारांनी मिळून बघायला पाहिजे। आणि पीटर म्हणजे एका बोकड एक बली देतो त्याच्या आधार, याच्यावरती एक आधारित चित्रपट आहे, मला भरपूर आवडला, मी तेच बघतो आहे। मी याच्या पुढे पुढे याच्या नेक्स्ट शोमध्ये माझ्या फॅमिलीबरोबर गेलो आहे। एक जो गोट का और लड़के का जो दिखने का दिखाया गया है बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है और पब्लिक को काफ़ी पसंद आएगी और अच्छी लग रही है। एक मराठी लैंग्वेज फिल्म है, आप नॉन मराठी हो, देखने आए हो, क्या कहेंगे? समझ में आएगी फिल्म? हाँ समझ में आती है, क्योंकि इंग्लिश में सेंटर से नीचे आता है ना लिखा हुआ, देख के समझ सकते हैं, तो काफ़ी अच्छी है। बच्चों लोग के लिए भी देखने के लिए बहुत अच्छी मूवी है और इसके मतलब पेरेंट्स के साथ बच्चे लोग काफ़ी इन्जॉय कर सकते हैं मूवी को देखते हुए। ओके, मुझे तो बहुत अच्छी, बहुत पसंद आई। कितने स्टार देने, स्टार देने के लिए? 4.5। फिल्म बहुत अच्छी कोशिश है, आई थिंक प्रोड्यूसर डायरेक्टर को इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई, एक अच्छी इमोशनल कनेक्ट, एक बच्चे के ऊपर इमोशनली अटैच विद मतलब जानवर और इंसान के बीच एक रिलेशन को दिखाया है, काफ़ी अच्छा है। क्या सब्जेक्ट, सब्जेक्ट काफ़ी पसंद करेंगे लोग? सब्जेक्ट तो पसंदीदा है ही है क्योंकि आज के डेट में एक बच्चे का, चाहे वो डॉग्स हो, बिल्ली हो या इस टाइप का जो एक रिलेशन होता है, आज भी वो चीज़ हम देख सकते हैं, आज भी लोग एक अच्छा मैसेज है, एटलीस्ट इंसान हो या जानवर हो हम किसी की बलि नहीं दे सकते, मतलब हमें अधिकार नहीं है कि हम किसी की जान ले लें, तो वी शुड लव एवरीवन एक्चुअली, सो एक क्लियर मैसेज है, वी शुड लव एवरीवन, दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ नेचर ओनली।
डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन कैसे लगा आपको? सॉरी, डायरेक्टर कैसे, डायरेक्शन और एक्टिंग वाइज? डायरेक्शन बहुत अच्छा है, एक गांव के उस पर जो बैकग्राउंड पे फिल्म बनी है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो फिल्म एकदम परफेक्ट है, नेचुरल लग रही है, लग रहा है कि गाँव में प्रॉपर एक प्रॉपर लोकेशन पे शूट की गई है फिल्म। एक्टिंग वाइज बच्चे की एक्टिंग वगैरह कैसी है? बच्चा भी परफेक्ट है। अन्य कलाकारों की एक्टिंग वगैरह? बाकी के कलाकार भी काफ़ी अच्छे हैं, बच्चे की जो मम्मी है एक इमोशनल जो फील आता है, जो एक्सप्रेशन जब क्लोजअप जब भी आते हैं, एक्सप्रेशन ऑफ दैट क्लोजअप सीन्स, वो काफ़ी अच्छा है। आई थिंक लुक वाइज भी कैरेक्टर्स का जो सिलेक्शन हुआ है ना, दैट इज़ वेरी परफेक्ट, सुपर्ब है। Okay, like, लोगों को देखना चाहिए एक बार? ऑफकोर्स, एटलीस्ट एक बार तो सबको देखना चाहिए, सो गुड मूवी। एंड बेस्ट पार्ट इज कि सबटाइटल है, सो जिसको मराठी नहीं भी आती है, दे कैन ऑल्सो गिव एन अटेम्प्ट टू सी इट। थैंक यू।